students, welcome to all of you in today's Hindi class. My dear students, half yearly exam से पहले आपने तीन अक्षर वाले शब्दों को अच्छे से पढ़ना लिखना सीख लिया है. अब आपको अच्छे से पता है कि तीन अक्षर वाले शब्द को कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखना है, आता है ना आपको. अब आज हम क्या करेंगे, आज हम आपकी हिंदी की क्लास में चार अक्षर वाले शब्द करेंगे. इससे पहले हमने तीन अक्षर वाले शब्द किए थे ना, तीन फ्रेंड्स थे ना, अब इनके साथ एक और फ्रेंड आ गया. इनका कितने फ्रेंड्स हो गए, ये फोर फ्रेंड्स. अब इनका फोर का ग्रुप हो गया, देखिए वन टू थ्री फोर. अब कितने अक्षर आ गए, कितने फ्रेंड्स आ गए, फोर फ्रेंड्स. चारों क्या हैं, फ्रेंड्स हैं, और मिलके क्या बनाते हैं, नए नए शब्द. तो देखिए सबसे पहले कौन सा अक्षर है, रीड कीजिए क्या लिखा हुआ है, स्पीक लाउडली एवरीबॉडी. अचकन. वेरी गुड. आपको सिर्फ अक्षरों की पहचान होनी चाहिए, अच्छे से वर्णमाला याद होनी चाहिए, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, और बड़ी इजीली, चाहे वो तीन अक्षर वाले हो, दो अक्षर वाले हो, चार अक्षर वाले शब्दों, बस आपको वर्णमाला अच्छे से याद होनी चाहिए, इन अक्षरों की अच्छे से पहचान होनी चाहिए. देखिए सबसे पहले कौन सा शब्द है, अचकन. अचकन, वेरी गुड. कौन सा शब्द बनाया हमने चार अक्षर वाला, अचकन. अचकन, अचकन. अचकन कौन सा शब्द बनाया, अचकन. मूव ऑन, नेक्स्ट वर्ड देखिए, अक्षर पढ़िए, कौन से अक्षर लिखे हुए हैं, शलगम. शलगम, वेरी नाइस, वेरी गुड. शलगम, शलगम. अचकन क्या होती है, एक प्रकार की ड्रेस होती है जो कि हम स्पेशल ओकेजंस पे पहनते हैं, शेरवानी होती है जिसको कि हम किन्हीं स्पेशल फंक्शंस पे वियर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अचकन. एक कुर्ता होता है लॉन्ग, उसको क्या बोलते हैं, अचकन. अचकन, शलगम. शलगम क्या होती है, टेल मी, बताइए. यस, वेजिटेबल होती है ना, सब्जी होती है ना, बहुत अच्छी होती है. कौन सा शब्द बनाया आगे हमने, श ल ग म, शलगम. कौन सा शब्द बनाया हमने, शलगम. चार अक्षर वाला कौन सा शब्द बनाया हमने, शलगम. आगे देखिए कौन सा शब्द है, कौन से अक्षर लिखे हुए हैं, रीड कीजिए. थ र म स, थर्मस. वेरी नाइस. क्या शब्द बना ये, थर्मस. थ र म स, थर्मस, जिसमें हम कुछ भी लिक्विड चीज डालते हैं और वो क्या रहती है, गरम रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मस. थर्मस, थर्मस. चारों फ्रेंड्स को हमने जब जोड़ा तो उन्होंने कौन सा शब्द बनाया हमारे लिए, थर्मस. थर्मस, वेरी नाइस. मूव ऑन, नेक्स्ट देखिए कौन से अक्षर लिखे हैं, बनाइए एक और नया शब्द चार अक्षर वाला. बर्तना, बर्तन. बर्तन तो आप सबको पता ही है, किचन में होते हैं ना बर्तन, खेलते भी हो आप, निकालते हो, रखते हो, बड़ा मजा आता है बच्चों को बर्तन के साथ खेलने में. तो क्या है अगला शब्द, बर्तना. छोटे बच्चे तो बहुत प्ले करते हैं, खाना खाते हैं ना बर्तन में. अब देखिए अगला शब्द, आखिरी शब्द क्या बनेगा, रीड कीजिए इन अक्षरों को. खटमल. खटमल क्या है, आखिरी शब्द चार अक्षर वाला बनाया हमने, खटमल. खटमल, खटमल क्या होते हैं, खटमल बताइए. कीड़े मकोड़े. यस, मच्छर काट जाते हैं ना, खटमल, उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, खटमल. सो माय डियर चैंप्स, आज हमने चार अक्षर वाले कौन कौन से शब्द बनाए, लेट्स रीड. देखिए
Speak loudly. Sh la ga ma. Sh la ga ma shalgam. Tha ra ma sa tharmas. Ba ra ta na bartan. Khatmal. और आप चाहें तो इनको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, टू टू वर्ड्स करके भी आप रीड कर सकते हैं, अचकन। फिर आप इनको जोड़ देंगे तो क्या बना, अचकन। टू टू लेटर, टू टू करके आप इन अक्षरों को भी जोड़ के बड़ी इजीली रीड कर सकते हैं। वन बाय वन करना है तो भी आपकी मर्जी है, अगर आपने ऐसे रीड करना है तो आप ऐसे भी इजीली रीड कर सकते हैं। शल गम, शल गम। थ थर मस, थर्मस। बर तन, बर्तन। खट मल, खटमल। सो माय डियर चैम्स, नाउ वी विल डू रिटन प्रैक्टिस ऑफ चार अक्षर वाले शब्द इन योर शब्द सुलेख बुक ऑन पेज नंबर 37। नाउ टेक आउट योर बुक्स, लेट्स स्टार्ट। माई डियर चैम्स, नाउ वी विल डू रिटन वर्क इन योर शब्द सुलेख बुक। फर्स्ट वी विल रीड, देखिए क्या लिखा हुआ है, अचकन, अचकन। देखिए एक लॉन्ग कुर्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं, अचकन। नाउ लेट स्टार्ट राइटिंग, सुंदर सुंदर लिखेंगे हम। अ च क न, अचकन। वेरी गुड, आपने राइटिंग के साथ साथ रीडिंग भी करनी है, बोल बोल के लिखना है, अचकन, अचकन। आप सब तो बहुत स्मार्ट बेबीज हो, गुड बेबीज हैं मेरी क्लास में सारे पढ़ने वाले बच्चे। अचकन, अचकन। नेक्स्ट लाइन, और जब भी हम अ लिखते हैं तो लाइन कहां से लगाते हैं, टेल मी। यस, स्टैंडिंग लाइन्स, आगे से नहीं लगानी है, आगे से लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अ च क न, अचकन। वेरी गुड, सो माई डियर स्टूडेंट्स, अनदर टू लाइन्स आर योर होमवर्क। और ये क्या था आपका, क्लास वर्क। नाउ डू योर होमवर्क, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।